हाउस ऑफ वेलनेस के एक नए एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं मिनाज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बताएं कि व्हाट इज़ द की टू हैप्पीनेस, खुशी की चाबी क्या है। क्रिसमस गया और अब न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर्स के दिन हम सब विश करते एक दूसरे को जॉय एंड हैप्पीनेस। तो क्या चाबी है हैप्पीनेस की, आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो खुशी की, हैप्पीनेस की बहुत सारी चाबियां हैं और उसमें से एक है ग्रैटिट्यूड, जो कि बहुत पावरफुल है। ग्रैटिट्यूड को आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता, शुक्रगुजार, ये सारे वर्ड्स कहने में आते हैं और हर रिलीजन में भी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं कि हम थैंक यू गॉड कहते हैं या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और रिसर्च हुआ है कि ग्रैटिट्यूड की जिसकी आदत होती है उसमें डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है, उनकी हार्ट हेल्थ बेटर होती है, स्ट्रेस रिलीव होते हैं, उन्हें नींद अच्छी आती है। और हमें ये ग्रैटिट्यूड जो माइंड सेट है हमारा, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमें लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमारा नजरिया बदली हो जाता है। तो चलो हम थोड़ा जानते हैं कि हम किस तरह से ग्रैटिट्यूड का ये नई हैबिट है न्यू ईयर में किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। तो बेस्ट वे है माइंडसेट ग्रैटिट्यूड का फॉर्म करने के लिए है कि स्लिप इन टू इट थ्रू आउट द डे। कभी भी आप इसको दिन में आप इसको स्लिप इन कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कई तरीके से। नंबर वन, आप इसे लिख सकते हो, तो आप सुबह में या शाम को एक डेडिकेटेड नोटबुक या जर्नल रख के उसमें आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, ऐसे नहीं। कौन सी चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो या आप ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग। आपकी आपकी शरीर के लिए, आपकी आपके बच्चों के लिए, आपने आज आपकी बहू ने या बेटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया या ब्रेकफास्ट बनाया, या आपका बेटा आपके साथ में आज 10 मिनट टाइम स्पेंड किया और आपने हंस के बात की आपसे, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो आप रोज ये ग्रैटिट्यूड नोट लिखे, ये एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसे ग्रैटिट्यूड जर्नल कहते हैं। फिर पॉज कीजिए, जब भी आप ऐसे ही रिफ्लेक्टिवली, जैसे कि रिफ्लेक्सिवली, जैसे कि हम कुछ भी कोई बोलता है तो हम थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन आप थोड़ा पॉज कीजिए। जब भी आप अपने आप को ये थैंक यू वर्ड कहते हुए सुने तो आप स्टॉप करके आप सोचिए कि मैं किस लिए थैंक यू बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ इस पर्सन को, तो वो चीज आप साथ में बोलिए कि थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए, या थैंक यू सो मच मेरे लिए अच्छा खाना बनाने के लिए, या एनीथिंग। आप उसको डिस्क्राइब कीजिए कि आप किस लिए थैंक यू बोल रहे हो। फिर थर्ड थिंग, रीडायरेक्ट योर थॉट्स। तो जब भी आप नेगेटिव फील करें या फ्रस्ट्रेटेड फील करें या डिप्रेस्ड फील करें, तो आप आपका फोकस चेंज कर दीजिए। देखो, नजरिया होता है, ग्लास के अंदर अगर आधा ग्लास पानी है तो हम देख सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ग्लास में सिर्फ आधा ग्लास ही भरा हुआ है, आधा ग्लास तो खाली है, या तो हम बोल सकते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो हम भरा हुआ देखते हैं या खाली देखते हैं, वो हमारा देखने का नजरिया है। तो जब भी आप ऐसे महसूस करो कि फ्रस्ट्रेटेड महसूस करो या नेगेटिव महसूस करो, तो आपका फोकस शिफ्ट कीजिए और आप इसका सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है आप वो सोचने की कोशिश कीजिए। कितनी सारी टाइम हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और दवाई मांगते हैं कि
मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन आता है होता है, मुझे नींद नहीं आती है, और हम दवाई लेने के लिए रेडी होते हैं, डॉक्टर को पैसे देके, दवाई के लिए पैसे देके हम रेडी होते हैं वो दवाई लेने के लिए। लेकिन जो ये ग्रैटिट्यूड का माइंडसेट है, ग्रैटिट्यूड की हैबिट है, वो फ्री है, किसी हमको पैसे नहीं देना पड़ता है। तो कभी कभार क्या होता है, जो हमें चीजें फ्री मिलती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती है। तो लेट्स सी कि आज से हम किस तरह से ये ग्रैटिट्यूड का माइंडसेट है ये अपनाते हैं और शो करते हैं। और कई फैमिलीज ने ये प्रैक्टिस अडॉप्ट किया है कि डिनर टाइम पे जब वो साथ में बैठते हैं तो स्टार्ट करते हैं बोल के, एक हर एक मेंबर्स ऑफ द फैमिली टर्न लेके बोलते हैं, बताते हैं कि आज वो कौन सी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। तो विद दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस प्रैक्टिस जो हम अपना सकते हैं। तो चलिए हम नया साल शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड माइंडसेट रख के। थैंक यू, चीयर्स टू वेल। थैंक यू सो मच मीनाज जी, और हमारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर फुल ऑफ पीस, लव, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। चीयर्स टू वेलनेस।